हो रहा है, काफी टाइम के बाद मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, लोगों को बहुत ही प्रोमोस डायलॉग्स बहुत ही यार कमाल है यार, तुम पहले यूएस सर्टिफिकेट देते हो फिर ए सर्टिफिकेट देते हो, कहते हैं इसमें प्रोमो चला दो, थिएटर में नहीं चलेगी, प्रोमो चला दो टीवी पे और थिएटर में नहीं चलेगी। जब आप फिल्म देख रहे थे, जब आप प्रोमो देख रहे थे, तो आपको राखी सावंत का चेहरा नजर नहीं आया था क्या? हम पैसा डाल के इतनी महंगी फिल्म बनाते हैं और आप इसमें पानी फेर देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, सेंसर बोर्ड की चेयर पर बैठकर तुम्हारी फटती है क्या? राखी सावंत की फिल्म तुम्हारे हाथ में आती फटती है क्या तुम्हारी हिम्मत? आप तो सामने आकर बात कर रहे हो, फिल्म पे सारा गुस्सा क्यों निकालते हो? हम तो एक ही फैमिली से हैं, सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड, हम लोग तो एक ही फैमिली से हैं, तो आप मुझ पे सारा गुस्सा क्यों उतार रहे हैं, मेरी फिल्म पे क्यों? यहाँ पे गंदी गंदी वल्गर वल्गर फिल्में रिलीज हो जाती है, गंदे गंदे डायलॉग चलते हैं। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मीडिया से पूछना चाहती हूँ, निकालिए ना वो इतनी सारी फिल्मों में गंदे गंदे डायलॉग्स है और मेरी फिल्म के डायलॉग्स को आप कंपेयर कीजिए। क्यों ऐसा डबल स्टैंडर्ड, इतना अत्याचार हमारी फिल्म के लिए क्यों हो रहा है? बड़ी बड़ी फिल्में निकल जाती है, गंदे गंदे डायलॉग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक महिला की फिल्म है जो गंदी ही फिल्में बनाती है, डबल मीनिंग की फिल्में बनाती है, सेक्स बेचती है, उनकी फिल्में कैसे पास हो जाती है? नेलानी जी, कि क्या आपके बेटे बहू वहां काम करते हैं क्या? आपने मेरी फिल्म पर नजर क्यों डाली नेलानी जी? प्रॉब्लम क्या है आपका? आई एम वेरी एंग्री ऑन दिस। हमने कोई सेक्स पर फिल्म नहीं बनाई है, एक रियलिटी, एक रियल स्टोरी पर हमने फिल्म बनाई है। सबने इतनी मेहनत की है, जिमी जो पंजाब के सुपरस्टार है, अमित मेहरा जो टेलीविजन के सुपरस्टार है, मुझे तो आप जानते ही हैं। मैं इतनी मेहनत मैंने करी है, तो अभी मैं कहना चाहती हूं पहला जिलानी जी से, आप चेयर पर बैठे हैं, आपने अपने लोगों को सेंसर बोर्ड की चेयर पर बिठाया है, सर मेरी फिल्म को अभी आपने पहले यूए दिया सर्टिफिकेट, फिर ए सर्टिफिकेट दिया, फॉर व्हाट? अब हम हाईकोर्ट जाएंगे।